तो ये देखिए मामा जी के लड़के आ चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश नाम हुआ। आकाश प्रजापति। तो चलिए अब ये लिवा के मुझे जाएंगे मेरे मम्मी के मामा जी के यहाँ। तो यहाँ देखिए सबसे महंगा फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ये। भाई ये कितने का है? 17 रुपए का है। 70 रुपए का है। एक है या फिर एक किलो? नमस्ते मामा, ये आपके लिए फल ले आऊँ। इसका क्या जा? अरे नहीं जरूरत है, आपके लिए ले आऊँ। चलो जा रहे हो भैया? जाओ। हाँ नाना बोल रहे हैं, गाड़ी लगा यही ना। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को गुड मॉर्निंग। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी देखिए हमारे बीच में हमारे जीजा जी भी हैं और आज अभी हम जा रहे हैं अपने मम्मी के मामा के यहाँ। मतलब आज हमारा मुंबई में दूसरा दिन है और अभी हम टैक्सी से चल रहे हैं भाईखला स्टेशन पर। वहाँ से हमें जाना है गोरेगांव। तो चलिए आज का जो भी सफ़र होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। बाकी आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन तो प्रेस जरूर कर लें ताकि नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। सो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और ये देखिए अभी हम टैक्सी के अंदर। अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा सर। तो ये देखिए भाई लोग, ये है बाहर का नज़ारा। चलिए जी हम टैक्सी से उतर चुके हैं और ये रहला स्टेशन। सामने देखिए आप लोग, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से टिकट लेना है तो टिकट ले लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। और आगे कौन सी ट्रेन से जाना है ये भी अभी आगे डिस्कस ही करना है। ये रहा टिकट काउंटर, हमारा टिकट और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। अभी मुझे यहाँ से पहुँचना है दादर, दादर से मुझे फिर एक ट्रेन और चेंज करनी है, वो जाके जाएगी गोरेगांव। तो चलिए एक नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहाँ से अपनी ट्रेन को लेते हैं। ट्रेन आके खड़ी हुई है, देखते हैं पहुँचते पहुँचते जाएगी या क्या होगा। तो ये निकल गई, तो एक नंबर पे जो ट्रेन थी वो निकल गई है। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं दूसरी ट्रेन कब आती है, तो वो आ जाए फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और ये रहा एक नंबर प्लेटफॉर्म। तो ये देखे ट्रेन आ रही है हमारी। तो ये रही पीछे हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं दादर के लिए। ये देखते हैं खाली खाली है और अभी हम बैठे हुए। तो चलिए सबसे पहले पहुँचते हैं दादर, वहाँ से चलेंगे गोरेगांव के लिए। तो भाई मुंबई आए हुए हैं तो सारी लोकेशन पे जाना भी है, बाकी आज तो सेकंड डे है। चलिए वहाँ चलते हैं, बाकी देखते हैं आगे और कहाँ जाना होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए हमारी ट्रेन चल भी चुकी है। तो ये देखिए, ये देखिए पहले दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं दादर रेलवे स्टेशन और यहां से मुझे गोरेगांव के लिए चेंज करना पड़ेगा। गोरेगांव के लिए देखते हैं किस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे ट्रेन मिलती है और आगे और भी अभी सफ़र करना है। बने रहिए कंटिन्यू आप लोग। तो अभी जस्ट हमने एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही क्रॉस किया। एक नंबर प्लेटफॉर्म, दो नंबर प्लेटफॉर्म इस तरफ भी था, लेकिन यहाँ से पूछने के बाद पता चला पीछे की तरफ एक नंबर प्लेटफॉर्म और दो नंबर प्लेटफॉर्म और भी है, वहाँ से मिलेगा। तो चलिए उस तरफ चलते हैं और काफ़ी यात्री हैं जो कि विजिट कर रहे हैं। ये देखिए, तो अभी हम आ चुके हैं दादर के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अभी ट्रेन आ गई, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। हम ट्रेन के अंदर हैं, बैठ चुके हैं और आप लोग को बता दें यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत ही बड़ा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अभी इससे पहले जो हम सफ़र कर रहे थे वो ईस्टर्न रेलवे था, अभी हम जिस तरफ सफ़र कर रहे हैं अभी वेस्टर्न रेलवे है। तो अगर कोई गांव से नया नया आए ना
और उसे ये सारी बातें नहीं पता हो तो वो सफ़र ही नहीं कर सकता। अभी इससे पहले हम एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ईस्टर्न पे सफ़र कर रहे थे और मुझे किसी ने बताया कि एक ही नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको गोरेगांव के लिए भी ट्रेन मिलेगी, तो मैं वहीं पे खड़ा होकर वेट कर रहा था। पूछने के बाद पता चला भैया ये ईस्टर्न है, आप वेस्टर्न की तरफ जाओ, वहाँ पर आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी ट्रेन गोरेगांव जाने के लिए। तो अब जाके मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ और अब जाके मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। तो सफ़र अभी कंटिन्यू है, आप लोग सारा सफ़र का एंजॉय लीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये ट्रेन हमारी चल रही है और इधर भी हम पहुंच चुके हैं गोरेगांव और यहां से चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये रहा बाहर निकलने का रास्ता। अंकल जी सेल वगैरह डालते हो वॉच में? इस वॉच में सेल डालना है, क्या रुपए लोगे इसका? 40 रुपए? 40 रुपए लगेंगे? चलिए ठीक है, आप लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहे अंकल जी, अभी हमारा आवाज सही कर रहे हैं, उसमें सेल ख़त्म हो गया तो सेल डाल रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? तो अभी अंकल जी डल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे वास में ही सेल डाल दें तो चलते हैं, अपना काम हो जाए। ये देखिए कई तरीके के इनके पास वास है, ये देखिए। बारह नौ, ये देखिए हमारी वॉच फिर से चलने लग गई। तो चलिए अंकल जी को पैसे देते हैं, सर छुट्टे नहीं है हमारे पास। तो वॉच देखिए बिल्कुल सही हो चुकी है, तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। वहाँ से लेना है मुझे टैक्सी और टैक्सी लेके जाना है प्रेमपुर है या प्रेम नगर, अभी कंफर्म ये भी नहीं पता है। तो चलिए बाहर चल के पता करेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे, जो भी ऑटो या टैक्सी जाएगी वही लेके हम जाएंगे। वहाँ देखिए एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर, बड़ा अच्छा लगे। देखिए कबूतर, तो पीछे देखिए दोस्तों पिजन है, कबूतर बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। पीछे देखिए माता रानी की एक मूर्ति है। तो अभी यहाँ आते हैं तो अभी दाना वगैरह खिलाएंगे कबूतरों को। तो अभी मुझे प्रेम नगर या प्रेमपुर नहीं जाना है, मामा के लड़के आकाश जी आ चुके हैं लेने के लिए। अब कहाँ हैं, और हम भी बस डिपो पे आ चुके हैं, वो बता रहे हैं कि यहीं कहीं हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए फल वल की मार्केट भी है। तो यहाँ देखिए सबसे महंगा फ्रूट ड्रैगन फ्रूट, ये भाई ये कितने का है? 17 रुपये का है, 70 रुपये का है। एक है या फिर एक किलो? एक एक, एक पीस कितने का, आधा किलो होगा या कितना होगा? आधा किलो का लमसम होगा। और ये अनाशपत्ति कितने का है? 100 रुपये किलो। और सेब सब 100 रुपये किलो। आप अनार कर दो 1 किलो, चलो। लेकिन बढ़िया बढ़िया अनार करना है, ख़राब ना होने चाहिए, ठीक है? मैं रखूँ या फिर आप रखोगे? आप रखो ना, आपको रखने का, आप रखो। 20 रुपये छुट्टा दो ना। नहीं है भैया, देखो 1 किलो हो गया होगा, देखो। तो ये हमने ले लिया 1 किलो अनार और अभी वेट करते हैं मामा के लड़के जी का, तो वो आ जाए फिर चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी फल की मार्केट है, तो ये गोरेगांव का फल का मार्केट है और इधर सामने है बस स्टैंड, देखिए। तो ये देखिए मामा जी के लड़के आ चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश नाम हुआ, आकाश प्रजापति। तो चलिए अब ये लिवा के मुझे जाएंगे मेरे मम्मी के मामा जी के यहाँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ कैसे चलना है? रिक्शे से चलेंगे, चलो। रिक्शा कहाँ से लेना है? चलो दोनों तरफ से फटा हुआ है। तो अभी पीछे एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे हमने लस्सी खाया और पिया भी। तो चलिए
अब यहाँ से ऑटो लेके चलेंगे और इधर बहुत सारी मार्केट, ये देखिए ये देखिए ड्राई फ्रूट, इसको थोड़ा ये कर दो एडवर्टाइज कर। ये देखो भाई के बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं यहाँ पे, ये रहा छुआड़े और इसका क्या नाम हुआ अखरोट, और बहुत सारे देखिए बादाम हुआ, काजू हुआ, यहाँ पे एक्स वाई जेड सारी चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ भाई? अच्छा अच्छा दोनों लोग भाई भाई यार, चलो ठीक है लगे रहो कंटिन्यू करते रहो। यहाँ पे कितना गैस वाला यहाँ भी चले हैं, गैस वाला यहाँ भी चले सही, अब तो गांव में भी गैस वाला चल रहा है। ये रहे हमारे मामा जी, नमस्ते मामा, ये आपके लिए फल ले आऊँ। अरे इसका क्या जा? अरे नहीं जरूरत है आपके लिए ले आऊँ, चलो जा रहे हो भैया जाओ। हाँ नाना से मिलो, नाना बोल रहे हैं गाड़ी लगाए ना, तो यही नाना है। तो ये रहे मम्मी के नाना जी, नमस्ते नाना। और सब बढ़िया, पहचान रहे हो आप हमें? गया था, देखा था ना। कहाँ देखे थे हम? तो घर पे ही नहीं रहते। अरे वहाँ गए थे ना, कहाँ? खजुरा? खजुरा नहीं, कुटहान नहीं, नहीं नहीं सड़ेरी, खजुरा। मैं सड़ेरी में एक बार निमंत्रण लेके गया था, ठीक है, लेकिन ये आपको हमने साथ नहीं देखा। अरे चलिए फिर तो कोई नहीं, अच्छी बात है, चलिए फिर घर चलते हैं। ठीक, तो ये देखिए मामा जी यहाँ पे खाने वगैरह मंगा रहे हैं, तो चलिए पी लेते हैं फिर रूम पे चलेंगे हम। और ये देखिए पानी आ चुका, और इधर रहा पानी, इधर रहा नाश्ता, तो कर लेते हैं फिर चलते हैं वहाँ पे। तो चलिए अभी चल रहे हैं मामा जी के रूम पे, और इधर देखिए अभी आप लोग को कुछ छोटी छोटी दुकानें दिख रही हैं, तो शाम के टाइम भी यहाँ पे काफ़ी भरा पड़ा रहेगा, तो हो सकेगा शाम के टाइम भी नज़ारा दिखाएंगे। इधर से चलना होगा, चलो। बड़ी छोटी गली है, आ जाओ, चलो आप आगे आगे चलो, हमने तो देख नहीं रखा। चलो ए राजू, कैसे पहचान रहे हो? पहचान रहे हो? पहचान रहे, तेरे पापा को खाली तमाम पर एक ही लगता है, नीला लड़का है ना। हाँ हाँ, नीला मामी है। अच्छा अच्छा, अरे कल मेरे काम रहा तो कल कर ले। तो ये देखिए दोस्तों हमारी मम्मी की मामी है, मतलब हमारे भी मामी है, तो सबसे पहले मामी को नमस्ते। और अभी तो देखिए हम फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हैं, ये हमको पहचान गए, हम इन्हें नहीं पहचान रहे हैं, तो अभी आगे डिस्कस होगा तो आप लोग को भी बताएंगे। तो ये हमारी मम्मी की सबसे छोटी वाली मामी है, अब भाई मम्मी होती तो पहचान लेती, अब हमें उतना नहीं नॉलेज है। तो चलिए अभी और भी जगह लिवा के चल रहे हैं ये लोग, चले चलो। कौन है रूम पे? तो हम भूल जाएंगे नाना कि कहाँ कहाँ से हमको आना है, कहाँ से हमको जाना है, लेके आएंगे ना। हाँ अकेले अगर हमको जाना हुआ तो हम भूल जाएंगे। हमारी मामी है, तो अभी उनकी बच्ची थी नीचे गई है कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। चलिए ये पहुँच चुके अभी हम इनके रूम पे, और अभी मम्मी से भी बात करवाएंगे, फिर आगे जैसा भी रहेगा आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये रहा हमारे मम्मी के मामा जी का घर, और नाना जी तो आप लोगों ने देखा ही दुकान पे ही थे वो अपने। चलिए अभी और भी लोग हैं, सबसे मिलवाएंगे हम आप लोगों से। तो अभी दोस्तों हम अपने मम्मी के मामी के यहाँ आ चुके हैं, मतलब ये दूसरे घर पे, मतलब सब लोग यही रह रहे हैं, कुल मिला के 6-7 परिवार हैं रहने वाले। तो ये हमारी मम्मी की मामी जी, मतलब कि हमारी नानी जी लगेंगे, और यहाँ पे देखिए नाना जी हैं जो कि लेटे हुए हैं यहाँ पे। हाँ नाना जी कैसे हैं आप? मस्त हैं। हाँ 4 बज रहे हैं, 4 बजे आराम कर रहे हैं, चलो ठीक है आप आराम कर लो। और अभी देखिए यहाँ भी पानी वगैरह आ चुका है, यही रखा हुआ है। और इधर मामी जी हैं, भैया बहुत सारा रिश्ता है, सबको संभालना पड़ता है। बाकी अभी और मामा मामी नाना नानी है यहाँ, तो चलेंगे दिल्ली में भी आप लोग देखते हैं कि नाना नानी मामा मामी ही मिलते हैं, यहाँ भी नाना नानी मामा मामी ही मिल रहे हैं। बाकी अभी आगे चलेंगे तो वहाँ भी दिखाएंगे। तो उस मामा के यहाँ से हम इस नानी जी के यहाँ आ चुके हैं, और ये देखिए पानी आ चुका है, तो चलिए पानी वगैरह पी लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। ये मामा के बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग,
और अभी हो चुका है सुबह का टाइम। हमने रात भर यहीं अपने मामा के यहाँ ही बिताया है। तो ये देखिए हमारी एक और मामी जी रही, तो मम्मी की भी मामी है, मम्मी की मामी नहीं है ना, भाभी है। हाँ मम्मी की भाभी है तो हमारी मामी ही लगी। और यहाँ देखिए नीचे मामा जी बैठे हुए हैं, बाकी इनके सारे बच्चे थे अभी तो बाहर को चले गए हैं। तो चलिए यहाँ से और एक मामी जी के यहाँ चलना है, वहाँ चलने के बाद फिर हम सीधा अपने रूम पे जाएंगे। और आप लोग को हमारे मम्मी के मामा जी का घर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। बाहर का व्यू है, सुबह हो चुकी है, सब यहाँ पे मस्त वातावरण लग रहा है। 7:39 हो रहे हैं, यहाँ से चलना है एक और मामा जी के यहाँ। तो अभी दोस्तों हम अपने इस वाले मामा जी के यहाँ भी आ गए, यहाँ भी मिल लिए, नीचे मामी जी बैठी हुई हैं और सबसे मिल चुके हैं जितने भी मामा जी थे। तो आप लोग को हमारे मम्मी के मामा जी का घर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को हम बता दें कि हम मुंबई जैसे शहरों में आए हुए हैं, अपनी मम्मी के मामा जी के यहाँ घूमने टहलने आए थे। सो घूम भी लिए, टहल भी लिए और सबसे मिल भी लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं अपने जीजा जी के यहाँ, वहाँ भी आज बहुत सारा काम है। बाकी फिर किसी और वीडियो में हम मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।